के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नई पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों आपको सिखाते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना ना भूलें और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप अपना मित्र लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद में यूटिलिटी पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फ्री सर्विस पे SJE टाइप कर देना है। जैसे आप SJE टाइप करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पांच सर्विस आ जाती है। उसके बाद में आपको नीचे नीचे ऑप्शन आता है SJE अप्लाई फॉर पेंशन रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओके करोगे यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टैब में जैसे होम है, एप्लीकेशन है, यूटिलिटीज है, रिपोर्ट है, सिस्टम, एडमिशन, हेल्प और बैक टू मित्र। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और कियोस्क पर जाकर एप्लीकेशन ऐड पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप एप्लीकेशन ऐड पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अपना जन आधार नंबर डालना है और सर्च करना है। उसके बाद में आपको जो भी फैमिली मेंबर की पेंशन करना है जन आधार में से उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है जो जन आधार में, उसकी उम्र अगर महिला है तो 55 वर्ष होनी चाहिए, अगर पुरुष है तो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। उनकी आप पेंशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।